नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नोटबंदी की चौथी वर्षगांठ पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और प्रधानमंत्री के चार साल पहले नोटबंदी लागू करने के फैसले की जमकर आलोचना की। कांग्रेस कार्यालय देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी लागू करने के पीछे आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कालाधन खत्म करने का तर्क दिया था, लेकिन नोटबंदी के बाद भी देश के सामने यह समस्या आज भी बरकरार है। नोटबंदी से देश को कोई फायदा नहीं हुआ है, उल्टा देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, देश के युवाओं का रोजगार छिन गया है, देश की GDP -24% आ गई है और नकली नोटों का कारोबार अब तक खत्म नहीं हुआ। प्रीतम सिंह ने इस दौरान आरोप लगाया कि BJP ने अपने फायदे के लिए नोटबंदी की। नोटबंदी के बाद भाजपा ने देश भर में आलीशान कार्यालय खुल रहे हैं। जब जैसा कि आप सबको निश्चित है, प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि काला धन समाप्त हो जाएगा, निश्चित रूप से इन चार वर्षों के अंतराल में हम देखते हैं कि देश के अंदर नोटबंदी करके देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का काम किया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि नोटबंदी इसलिए भी नितांत आवश्यक है कि नोटबंदी के माध्यम से आतंकवाद पर जो है प्रहार किया जा सकता है, आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। जो आर्थिकी मदद आतंकवादियों को मिलती है नोटबंदी लागू होने से जो है वो मदद नहीं मिल पाएगी, लेकिन नोटबंदी के बाद जिस तरीके से लगातार आतंकवाद की घटनाएं घटित हो रही हैं, अगर मैं उसका विस्तृत ब्यौरा दूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, आप सब उस बात से भलीभांति परिचित हैं। और तो और, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद पर जो है शिकंजा कसेगा, जो हमने 2000 और 500 के नोट जो है छाप करके बाजार में लाने का काम किया, वो आप तक और हम तक तो बाद में पहुंचे, लेकिन आतंकवादियों के हाथ में वो सबसे पहले पहुंचे। तो अभी के लिए इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।